की रात अटैक आने से मौत हो गई। वहीं पति की मौत की खबर सुनते ही सदमे में पत्नी ने भी आधे घंटे बाद दम तोड़ दिया। रविवार को दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। शाह दंपति स्नेहलतागंज के श्रीनाथ अपार्टमेंट में रहते थे। उनके भतीजे विहार ने बताया कि चाचा गुजराती समाज की व्यवस्थापक समिति के अलावा 8-10 जगहों के लिए अकाउंटिंग करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। मैंने शनिवार शाम 6 बजे उनसे बात की थी, तब तक सब ठीक था। पड़ोसी ने बताया कि रात 12 बजे उनके यहाँ स्मिता बेन का फोन आया और बोली कि पति की तबीयत खराब हो गई है। जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो पति की मौत हो चुकी थी। पत्नी पास में ही जोर जोर से सांसें ले रही थी। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस को फोन लगाया, तब तक पत्नी की सांसें उखड़ गई। शुरुआत में पड़ोसी डर गए कि कहीं उनकी मौत कोरोना से तो नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर और पुलिस ने जांच की तो बताया कि यह एक सामान्य मौत है, तब लोगों का भय खत्म हुआ। पड़ोसियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से दंपत्ति एक या दो बार ही नीचे आए होंगे। गुजराती समाज के महामंत्री और कांग्रेस नेता पंकज संघवी ने बताया, शाह दंपत्ति की मौत से समाज में काफ़ी दुख है। प्रकाश भाई समाज के बोर्ड में कई सालों से थे। बीएड कॉलेज के चेयरमैन रहने के बाद फिलहाल RRMB गुजराती स्कूल के चेयरमैन थे। इसके अलावा वे कई अन्य पदों पर रह चुके हैं।